वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में फिर से हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। अभी पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, अभी फिर से देखेंगे कि ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं अब कुछ नई चीज़ों के साथ। पिछली बार हमने देखा था कि कोई भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है कब, जब उसकी तीनों साइड्स गिवन हो और दो साइड्स गिवन हो, एक कोई एंगल गिवन हो, तो हमें ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो हमने देख लिया था। अभी फिर से देखते हैं, सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा चेंज ये है कि एंगल्स भी चेंज हो सकता है और साइड्स भी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट इन द सेंस टू की जगह एक साइड दो एंगल्स आ सकते हैं। देख लेते हैं किस किस तरीके से चेंज है। एक्सरसाइज 26B का क्वेश्चन नंबर 1 और 6 मैंने उसी पिछले वीडियो में दे दिया था आप लोगों को। जो दो क्वेश्चन हमने दिए थे वो दो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन फर्स्ट था एक्सरसाइज 26B का और एक क्वेश्चन 6 था, दो एग्जाम्पल जो दिए थे, दो क्वेश्चन वो हो जाते हैं। और एक्सरसाइज 26B के क्लास 6 की बात कर रहा हूँ मैं, 26B का क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 8, मतलब 8 या 9 क्वेश्चन हैं, तो ये पूरे 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर लेंगे यूजिंग द वीडियोस। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन 4th इज ABBC 5 सेंटीमीटर है, AC 3 सेंटीमीटर है। चलिए, ये क्वेश्चन भी वैसे ही हुआ कि आपके पास थ्री साइड्स गिवन है, लेकिन एक कंडीशन ये कि इज एंगल ए एंड सी इक्वल, मतलब ए एंगल और सी एंगल इक्वल है क्या, ये हम कैसे पता करेंगे? तो पूरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम उसको मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे अभी देखते हैं। पहले हमने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया, AB और BC दोनों 5 सेंटीमीटर, मैंने कहा था ड्रॉ कोई भी एक साइड ड्रॉ कर लेंगे, हमने बेस साइड ड्रॉ कर ली, BC 5 सेंटीमीटर। अभी AC भी 5 सेंटीमीटर है, तो B को मतलब AB भी 5 सेंटीमीटर है, टेकिंग B इज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो अभी पिछली बार हमने देखा था कि B को सेंटर मान के हम एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का, जो कि इस तरीके से हो जाएगा। अब AC फिर से 3 सेंटीमीटर है, तो हम C को सेंटर मान के, मतलब टेकिंग सी एज अ सेंटर, ड्रॉइन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, AC पर काटेंगे, ज्वाइन AB एंड AC, हमने AB और AC को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी तो ये तो पिछले भी वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं जब तीन साइड्स हमारे पास हों। एक नई चीज़ हमें क्या देखना है इसमें, इसमें देखना ये है कि AB एंगल A और एंगल C इक्वल है क्या। तो जब टाइप ऑफ ट्रायंगल हमने देखे थे तो दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, मान लेते हैं वो ये है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये साइड इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उन दोनों साइड्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये कंडीशन होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स पर बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कौन कौन से, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हमने देखा कि ये 5 सेंटीमीटर की थी और AB भी 5 सेंटीमीटर की है, तभी ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों पर करस्पॉन्डिंग एंगल A और C इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे हैंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इस तरीके से आप इसका रीजन दे देंगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स वही लिखना है जो अभी पिछली बार बताए थे मैंने, कि पिछले वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, वीडियो नीचे डाला होगा, पार्ट 2 है शायद उसका नाम, ये पार्ट 3 हो जाएगा, उसमें लिखा था जो हमने किया है वही आपको लिखना है, वो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, AB इज गिवन, एंगल ए एंड एंगल बी, यहाँ पर देखो 2 एंगल्स हैं और एक साइड है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, टेंशन ना लेना है, जो भी एक साइड के बने तो आप उसको बेस साइड मान के ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ द बेस साइड फर्स्ट, दैट इज AB, AB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ AB 5.4 सेंटीमीटर। अब एंगल A 30 डिग्री है, ये साहब एंगल A, एंगल B 90 डिग्री है, तो आप एंगल B 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अब कैसे ड्रॉ करते हैं, एक छोटा सा आर्क लगाएंगे, इतना सा उसमें इतना सा लगाएंगे, अब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पूरा पेज ही आपका कवर हो जाएगा इतने बड़े में। छोटा सा आर्क लगाए इस तरीके से, यहाँ रखते हैं और ऐसा आर्क लगा के, मतलब इस तरीके से ये आर्क लगाए, इसको चेंज नहीं करना, सेम आर्क लगेगा, यहाँ रखेंगे हम इस तरीके से, एक आर्क लगाएंगे 60 डिग्री का होता है, एक और 60 डिग्री लगाएंगे, तो 60 डिग्री 60 डिग्री, बट हमको चाहिए 90 डिग्री है, तो हम 60 पर रख के एक ऊपर आर्क लगा देंगे, फिर 120 पर रख के फिर से एक ऊपर आर्क लगा के देंगे, तो दोनों आर्क जो यहाँ पर काटेंगे ना, इसको हम इस बी से मिला देंगे, तो ये आपका एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। देखो
60 120। अब 60 और 120 के बीच में कितना होगा, देखो 60 प्लस 120 अपॉन 2 दोनों के बीच का, तो ये 180 अपॉन 2 बोल के 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमने 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर लिया है, कहाँ, पॉइंट बी पर, ठीक है। अब पॉइंट ए पर हमको 30 डिग्री चाहिए, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या यहाँ रखेंगे, छोटा सा आर्क लगाएंगे यहाँ रख के, इस तरीके से ये लगा दिया। अब मैं यहाँ रख के एक 60 डिग्री का छोटा सा आर्क लगाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ 30 चाहिए, 60 नहीं चाहिए, तो 30 क्या होता है, 0 और 60 के बीच में होगा, मतलब 0 प्लस 60 अपॉन 2 तो 30 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको आधा कर दूंगा, मतलब यहाँ रखेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ रखेंगे ऐसे आर्क लगाएंगे, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, समझ गए, दिस इज एंगल ऑफ 30 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हमें करना क्या है इसमें, चलिए देखते हैं, इसको रहने दो, आपको इसको टेंशन नहीं लेना, जाने दीजिए, इसको रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आर्क भी रफ नहीं कर देना, कुछ समझदार स्टूडेंट्स होते हैं इन आर्क्स को रफ कर देते, बोले अपना ट्रायंगल बन गया फर्स्ट क्लास, मिटाइए इनको, ना इनको मिटा देंगे तो ये फर्जी माना जाएगा, मतलब आपने आर्क लगाया ही नहीं है, रफ बनाया, फर्जी बनाया है, तो आर्क्स को रफ नहीं करेंगे। चलिए क्या चाहिए, एंगल सी कितना होगा, ये है एंगल सी, ए बी सी, तो आप जानते हैं ये 90 है, ये 30 है, एक 90 है दूसरा 30 है, तो तीसरा कितना होना चाहिए, 90 30 120 होता है, और तीनों 160 के होते हैं, 180 के होते हैं तीनों, तो 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे किया, 90 प्लस 30 मान लेते हैं एंगल सी एज प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का सम 180, तो इसको हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी मुझे चाहिए, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, एंगल सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री। तो दिस विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, दिस इज एंगल सी 60 डिग्री। अब आगे क्या चाहिए, एंगल सी हमने फाइंड आउट कर लिया, साइड बी सी, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बी सी, अभी हमें साइड बी सी चाहिए, बी सी, वेयर इज बी सी, दिस इज बी सी, तो आप इसको स्केल लेके मेजर कर लेंगे, जितना भी इसका मेजरमेंट होगा वो आपकी साइड बी सी होगी, ये 5.4 है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, इसका मेजरमेंट आप यूजिंग स्केल ले सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 26 बी के दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में है, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है, तो एक्सरसाइज 26 बी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छा लगता है तो आपको पता है लाइक करना है, नहीं तो डिसलाइक करना है। हैव अ नाइस डे।